Hi friends, welcome to TIMC Social Media Stars. I'm Ria Ray and this is Sushant Sharma, the ever smiling. So English upar se itne sare accent ke itne pyar ke sath tareef. Lekin I'll tell you Ria, today friends, boys and girls, we have another multitasker on the set. Who is the first one? I am the first one. I host, I sing also. Okay. That too, I make good songs very good sometimes. But khair, you've seen the web series, the smash hit web series of this season. Life Sahi Hai. Yes, I have. So, unke creator, actor, writer aaj humare saath hai, Tarun Jain. He's also written Pyar ka Punchnama 2. Wow, so he's basically the jack of all trades and master of all. Yeah, he's just like me. We are brothers in a lot of questions. Okay, Sushant, enough about you. He's taller than me. Okay. Let's definitely call our amazing guest, Tarun Jain. Mr. Jain, ek baar zordaar taaliyan unke liye ho jaye. आप दिल्ली से पहले अमेरिका गए कोलंबस में पढ़ने के बाद 12वीं तक उसके बाद आप साइंसेस पढ़ने अमेरिका गए बिल्कुल फिर आपने उसके एमएससी कंप्लीट की इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में हाँ जी उसके बाद आपने पीएचडी क्विट कर दी या आगे नहीं पढ़ेंगे यार नहीं पढ़ना चाहता मैं क्या कर लोगे और क्या फिल्में पढ़ा ली यार माँ बाप ने जितना पढ़ाना था और कितना उसके बाद आप बॉम्बे आ गए बस सही तो ये हाउ डिड द एंटायर जर्नी स्टार्ट कैसे आई थोड़ा राइटिंग वाइटिंग का पहले से शौक था बट माँ बाप का सपना पूरा कर रहे थे इंजीनियर बनना था तो बन गए तो मैंने कहा चलो अभी जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली डिग्री विग्री ली आ गए यहाँ पे राइटिंग का एज अ सच शौक था काफ़ी टाइम से बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये फुल टाइम कुछ किया जा सकता है बट इवेंचुअली आई थिंक थोड़ा बहुत कर करके आ गया फिर आ गया यहाँ पे सो यू आल्सो वर इन बैंकिंग Briefly, yeah, I worked as an analyst, yes. So you know about the finance and everything, that's why maybe... I pretended to know about finance, which is what most people But don't you think you're tapping in the right medium? Am I? You did. I don't know. Well, we can see the box of his hit, right? Of Pyar ka Punchnama 2. So, you know, you got that there. Yes, I'll pretend to take all the credit for that. Thank you. How did Life Sahi Hai started? Actually, Life Sahi Hai jo concept tha, wo Love Ranjan, jo mere bade bhai hain, unka bahut time se concept tha, unhe banana tha. But for some reason, wo films mein busy ho gaye, to maine kaha, chalo, kyun na main hi kar lun ye. How does the writing go? Because एक तो medium का इतना difference हो जाता है ना film से जब आप YouTube और digital media पे लिखने के right. वो उसमें चले जाते हैं तो वो भी आ change होता है language change हो जाती है and थोड़ी freedom रहती है time restriction भी तो हो जाता है because एक episode 17 minute 15 minute right. इसी में deal करने वाला actually restriction नहीं होती उल्टा freedom मिल जाती है कि कोई specific bound नहीं है कि हमें 10 minute का ही करना है या we have to make it exactly 22 minutes जो टीवी पे जनरली करना पड़ता है तो वो relative freedom रहती है और language की तो definitely रहती है कि थोड़ा रियल रह सके लोग इसे जो भी बोले सेंसरशिप एंड ऑल दैट नो सेंसरशिप या सो वो काफी बड़ी एडवांटेज रहती है सो या हुज आईडिया वाज दैट फर्स्ट टू स्टार्ट द वेब सीरीज इट वाज ओरिजिनली लव रंजन्स आईडिया सो लाइफ सही एक्चुअली टाइटल भी उनकी पहली मूवी का के गाने का टाइटल था लाइफ सही है टेंशन नहीं है जो भी इसके टाइटल ट्रैक में आता है तो ही कंसेप्चुलाइज द सीरीज के कैरेक्टर्स ये होंगे बट आफ्टर दैट मैंने कहा चलो कुछ बनाते हैं थोड़ा जो मेरे दिमाग में आइडियाज थे कि कैसा हम लोगों के एज ग्रुप में लड़के क्या करते हैं क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत है सर बहुत प्रॉब्लम है अरे कोई गिनती नहीं है यार इतनी प्रॉब्लम है रेंट देना है फिर गर्लफ्रेंड की बातें सुननी है जो कभी हो सकती है और मतलब इतनी परेशानियां हैं लड़की तो बेचारी सिंगल होगी अब इस चक्कर में टेंशन अरे ऑफिस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यार हर दूसरे बंदे का रोना क्या होता है या तो ऑफिस या लड़की या मतलब भाई काम वाली भाई की बात काम वाली भाई सो योर शो हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ वी फाइनली कम टू दैट यस एग्जैक्टली द जोक सो टेल अस समथिंग अबाउट सेक्सिस्ट है मतलब मैं साफ साफ भाषा में लोग कहते हैं आप सेक्सिस्ट हैं आई नो तो एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूं मुझे लग रहा था कि पता है इसीलिए बुला रहे हैं ये पूछने के लिए बुला रहे हैं स्पेसिफिकली वी वांट टू नो कि कितना सेक्सिस्ट शो है इट्स फ्रॉम हॉर्सेस माउथ यू नो ऑडियंस को सीधा सीधा पता लग जाता है बिल्कुल बिल्कुल तो आई नो मतलब ये बात उठी थी मेरा कम्प्लीटली ऐसा मानना नहीं ऑल्दो मैं समझ सकता हूँ कि लोग इसे क्यों कहेंगे हमारा क्या था कि हम थोड़े डिफरेंट नजरियों से उस चीज़ का मजाक बना रहे थे राइट जैसे बॉस का था एक नज़रिया था जैसे वो डायलॉग भी है कि यार लड़के रो इसलिए रहे हैं क्योंकि बॉस लड़की है अगर वो सेम हरकत कोई आदमी होता उनका बॉस होता वो कर रहा होता ना तो चुपचाप सह लेते लेकिन औरतों से ऑर्डर लेने की आदत नहीं है तो हमारा ये था कि एक ये भी एंगल है दूसरा सेक्सुअल एंगल था लेकिन मतलब दैट वाजंट सपोज्ड टू बी द फोकस ऑफ इट बट व्हाट आर पीपल आर लविंग इट सो यू गॉट क्लोज टू 20 20 30 लाख हिट्स ऑन ईच ऑफ द एपिसोड आई मीन वी वर सरप्राइज के यू गाइस डिडंट एक्सपेक्ट एट ऑल आई मीन वी होप्ड फॉर सक्सेस बट
क्योंकि थोड़ा मीडियम नया है, इट्स हार्ड टू से कि क्या मैट्रिक्स हैं सक्सेस के, बट वी वेरी हैप्पी कि इतना लोगों को पसंद आया। वाज एनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्वड और यू जस्ट वांटेड गुड कंटेंट एंड हां एक्चुअली हमने पहले कंटेंट निकाला, उसके बाद फिर उससे कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं थी, उसके ट्रेलर के टीजर्स थोड़े वी पुट देम आउट इनिशियली, पीके जो एक्टर्स हैं, मूवी आ चुकी थी तब तक, तो उनके थ्रू हमने ट्रेलर रिलीज किया, तो आई थिंक दैट वर्क्ड आउट प्रीटी वेल फॉर अस, उससे थोड़ा लोगों ने नोटिस भी किया। या बट देन वाज एक्टिंग ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्लान? इट वाजंट, बट लिखते लिखते ऐसा कैरेक्टर, आई गेस जब आप शुरुआत में लिख रहे हो तो यू सॉर्ट ऑफ पुट अ बिट ऑफ योरसेल्फ इनटू एब्सोल्युटली अ कैरेक्टर, तो ये जो कैरेक्टर था अमित का जो मैंने पोर्ट्रे किया, इट्स अ वाइट कैरेक्टर, मतलब जनरली क्या होता है ग्रे ब्लैक, एंड यू सॉर्ट ऑफ मतलब इन द सेंस कि वो वाला ह्यूमर मेरा है कि मुझे बहुत ऐसा करने की आदत है कि यार इस चीज को ऐसा क्यों कहते हैं या ऐसा क्यों करते हैं, जो एक सॉर्ट ऑफ कैच फ्रेज बना देती है टेक्निकल क्वेश्चन टाइप के, तो उस वजह से वो करते करते वो कैरेक्टर ऐसा बन गया, तो मैंने कहा चलो करते हैं प्ले। बट हाँ, आई डोंट नो, एक्टिंग सबसे बड़ा एजेंडा था इस सीरीज का, मतलब मेनली आई एम अ राइटर। वो आफ्टर पोस्ट फिल्म क्या हुआ था वे प्यार का पंचनामा 2, बिकॉज़ यू आर राइटर, क्रेडिट्स पे नाम आता है ना बड़े पर्दे पे। आई वांट टू नो हाउ डिड इट हैपन, प्यार का पंचनामा। सो द डायरेक्टर हु इज माय कजन, ही न्यू दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन राइटिंग। ब्रेकिंग न्यूज़, इनका ही भाई है जिसने वो फिल्म पहली बनाई थी और दूसरी के लिए इसे बुलाया। कंटिन्यू। राइट, तो उन्हें पता था बहुत टाइम से कि मेरा राइटिंग में इंटरेस्ट है, तो जब फर्स्ट मूवी आई थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि ओके आई नो यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, व्हाई डोंट यू गिव दिस कॉन्सेप्ट अ ट्राई, कि देखो तुम क्या लिख सकते हो। तो एक दो साल में मैं ऐसी जोक्स वगैरह कुछ थोड़े स्निपेट्स वगैरह लिखता रहा, एंड आई यूज टू कीप सेंडिंग इट टू हिम, एंड ही सेड ओके मतलब ये अच्छा चल रहा है तो व्हाई डोंट यू यू नो जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस फुल टाइम। तो ऐसे ऐसे शुरू हो गया। कौन से साल, व्हिच ईयर यू केम टू बॉम्बे? मुझे 4 साल हो गए। कॉमेडी जिस हिसाब से इंडिया में चल रही है, मतलब स्पेशली डिजिटल जैसे प्लेटफॉर्म पे जितने शोज आ रहे हैं, देयर लॉट ऑफ शोज व्हिच आर कमिंग अप स्पेशली व्हिच डील विद कॉमेडी, कॉमेडी एज अ जॉनर इटसेल्फ, डू यू एक्चुअली अप्रिशिएट एनी ऑफ देम और डू यू लाइक दैट काइंड ऑफ कॉमेडी और डू यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ कॉमेडी? मेरा पर्सनली पूछ रहे हैं या इट्स अ स्पेक्ट्रम, थ्रू द स्पेक्ट्रम? मैं बहुत ज्यादा, सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा देखता नहीं हूं, बट पहले देखा करता था, तब मुझे एक दो चैनल्स है, TVF है, AIB के, उनके ओरिजिनल जो वीडियोस आने शुरू हुए थे बहुत बहुत साल पहले की बात है, मुझे काफी फनी लगते थे। So Tarun, we are going to play a game with you and it's going to be the name of your series. So it's going to be Life Sahi Hai Lekin, and then we have to, you have to fill in the noun and we'll give you the next sentence, which is going to be the question. Rick Stan Baro, fill in the blanks. मतलब सीधा सीधा था, 4th, 5th, 6th में पढ़ा। Right. Writer है ना, मैं कहा आपकी grammar और सारी चीजें check कर लेते हैं। इतनी हिंदी नहीं आती मुझे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अंग्रेजी में चलेंगे। Anything. और this is segment का नाम है, Riya Darling, witty news. WITTYLOOPS. Thanks to the newspapers which come to my house every day. Really? Love it. Oh. Let's start. Let's start the game. So, life sahi hai, lekin dash shiny hai. Future. लाइफ सही है लेकिन डैश हार्ड है। ट्रैफिक में यहाँ पे आना। नाइस। लाइफ सही है लेकिन डैश हेरी है। अनिल कपूर। ओके, लाइफ सही है लेकिन डैश डैश स्मूथ है। मेरा स्टाइल। ही इज गोइंग सटल विद द ह्यूमर। फेयर नाउ, वी विल गिव हिम दैट चॉइस। लाइफ सही है लेकिन डैश रॉन्ग है। ट्रंप। लाइफ सही है लेकिन डैश डिसपॉइंटिंग है। 2000 का नोट। सो ट्रू। कोई छुट्टा नहीं देता यार, कोई छुट्टा नहीं देता, सच्ची कोई छुट्टा नहीं देता। पता है कई कई दुकानों पे जाना पड़ता है और कुछ कुछ करना पड़ता है छुट्टों के लिए, फिर भी छुट्टे नहीं मिलते हैं। क्या क्या करना पड़ता है? व्हाट इज दैट? नहीं, लाइफ सही है लेकिन डैश फूलिश है। इस शो को सक्सेस मानना। कौन से शो? हमारे शो को। मेरे शो को। हमारा सेक्सिस्ट नहीं है, दो लड़के हैं शो पे, मैं अकेला लड़का हूँ, सेक्सिस्ट नहीं है मेरा शो। The second half of this segment is in honor of my 4th grade English teacher who worked very hard to teach me noun, pronoun and adjectives. Same as आपके साथ होगा। Do you know the difference now? हाँ हाँ बिल्कुल, बकायदा जी, आपके साथ भी ये टेस्ट करने वाले हम। फिर से आपकी कतई नहीं पता। कोई नहीं सर, आप राइटर हो, आपको इतनी एडवाइस देंगे हम। फिर से आपकी सीरीज का टाइटल पहले आएगा, इस बार आपको नाउन लगा कर देंगे, आपको सिर्फ एडजेक्टिव ऐड करना है, जैसे कि लाइफ सही है लेकिन मनी डैश है। नहीं है। और क्या बात, ये किसी के पास क्यों नहीं है, सब ऐसा क्यों बोलते हैं मनी है नहीं? नहीं है, वो भी नहीं। अरे ओके, लेट्स टॉक अबाउट हनी नाउ। लाइफ सही है लेकिन गर्लफ्रेंड डैश है।
मिसिंग है, लापता है. सिनोनिम्स. आरामनगर, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, बांद्रा, जहां भी हो सकती है इनकी गर्लफ्रेंड ढूंढ लीजिए, उन्हें लेकर आइए और ये आदमी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है. गुमशुदा तलाश केंद्र वाला मैसेज वो. गुमशुदा तलाश केंद्र 100 103 202 बताएं. बिफोर 14th ऑफ फेब. ओके, लाइफ सही है, लाइफ सही है, लेकिन सेक्स लाइफ डैश है. वो क्या होता है? सेक्स के आगे लाइफ क्यों लगा रहे हो? वो तो डेड है. ओके, लाइफ सही है, लव लाइफ डैश है. इमेजिनरी. डेड एंड इमेजिनरी, ग्रेट. लाइफ सही है लेकिन आमिर खान डैश है. दबंग नहीं, नो सॉरी, रॉन्ग. इन्होंने दबंग बोला, पता है आमिर भाई, इन्होंने दबंग बोला. सॉरी, दंगल. वेल, लाइफ सही है लेकिन मोदी जी डैश है. मोदी जी ग्रेट है. लाइफ सही है लेकिन दारू डैश है. जरूरी. बाकी नेशनल दिल्ली वाली बात हुई ना ये. लाइफ सही है लेकिन डीमोनेटाइजेशन डैश है. रॉन्ग है, कंफ्यूजिंग है. ओके, लाइफ सही है लेकिन माय फेट डैश है. सही है, सॉलिड है. लाइफ सही है लेकिन टाइम डैश है. बहुत है यार टाइम, टाइम की क्या टेंशन है. सो ओके, हाउ वाज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग फॉर प्यार का पंचनामा, व्हिच इज ऑलरेडी अ हिट फिल्म, इट्स अ सीक्वल, सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज और हाउ डिफरेंट इट वाज? इट वाज माय फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस, सो It was a lot of fun for me. Yeah. Plus, the movie inherently is just, it's comedy and mm-hmm. it's very funny. So, I had a lot of fun yeah. writing it. But I was very new to writing. I hadn't had any training in writing. So, mere liye not only sab kuch naya tha, mujhe pata bhi us samay kafi kam tha ki kaise movie likhi jati, kaise structure kiya jata. To us samay kafi guidance ki zarurat thi. But us process se thoda seekha likhna. And how much help did you get? A lot of help. I needed a lot of guidance. Who was your mentor for that? The director of the film, Love Ranjan, who also wrote the story for the film. Yeah. On a serious note, Tarun, you are more of a person who likes the comedy in a different manner. Right. Like right. to play subtle and right. under the shoulder rubs, or wo jab itne hasi aa jaye, that's good enough as a punch. Right. But while writing for a film like Pyar Ka Panchnama 2, it's more slapstick in nature. Right. How did that transformation while as a writer was doing? हम सबकी लाइफ में जनरली एक वो फेज होता है थोड़ा यूथफुल, यू नो 17-18 साल, कॉलेज हाई स्कूल टाइप का, जब हम सब, हमारा ह्यूमर प्रेडोमिनेंटली वैसा सा ही होता है, काफ़ी स्लैपस्टिक. तो वो वाला एक्सपीरियंस था, मतलब मुझे पता था मेरे आसपास भी उस एज के लोग होते हैं, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू गो बैक टू दैट ह्यूमर. मतलब हाँ, मेरी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस रहती है सटल लिखने की. हाँ, बट एंड व्हाट्स योर नेक्स्ट थिंग, बिग थिंग और द फ्यूचर थिंग दैट यू आर लुकिंग एट? So immediately I'm working on the second season of Life Sahi Hai. So that's the first thing that I need to do. Yeah. But besides that, I'll continue writing films and hopefully more web content. There is this great initiative which you run as a web portal called I for India. हाँजी हाँजी. It's a local governance system जहाँ पे आप locally selected MLA से लेके हमारे प्रधानमंत्री तक, उन्होंने जितना काम किया है, जिस तरह का local governance हुई है, food, security, shelter और society में जो भी changes, structural changes government लेके आ रही है, you can go there. You can check out each and every individual. It was launched last elections. हाँ, last election 2014 में launch हुआ था वो. तो actually it was largely driven by the two co-founders, मैं और अंकुरगर, जो production में काफी involved रहते हैं. तो actually mainly उनका idea था. तो जब मैं वापस move back किया था, मेरा भी थोड़ा वैसा सब background था, data analytics और ये सब का. तो मैंने कहा it seemed like a good thing to do. बहुत relevant था उस time के लिए. बेसिक आइडिया इसका ये था कि जनरली जब लोग वोट करने जाते हैं, तो उस समय जो न्यूज़ में जो भी झूठी हो सच्ची हो, उस खबर पे और इमोशन के बेसिस पे लोग जनरली वोट करते हैं. बट आइडियली वोटिंग शुड बी डन बेस्ड ऑन जो आपके पॉलिटिशियंस, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए. तो वी केम अप विद दीज 24 मेट्रिक्स के लोगों के अपनी लोकेलिटी में ना, कैसी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सर्विसेज हैं, ट्रैफिक कैसा है, मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, सैनिटेशन कैसा है, वो सब एक बार थोड़ा देखो आप, वो समझो और उस बेसिस पर डिसाइड करो कि आपको यही वाला बंदा चाहिए, कोई और चाहिए. तो दैट वॉज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट. It's a nice idea in terms of especially for the youth, jisko who's not that much interested in politics but wants to vote or wants to form an opinion in close to the connection. Right. And plus close to the election, because there is a lot of pressure around also, tum vote karne ja rahe ho ki nahi ja rahe. Yeah. Yeah. So unke liye bahut sorted ho jata hai. Right. Yeah. So educated, informed voting is very important. Sirf vote dalne naam ke liye vote dalna, it's better to have an informed opinion, informed voting.
इम्तिहान है आज तेरा इम्तिहान है। सर आगे आ जाइए, थोड़ा है ना फिट हो गए, सीधे हो जाइए, क्योंकि ट्रेडिशन तोड़ा आज हमने, स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हैं। चाय के कप में आमला जूस लेके आए आपके लिए। मुबारक हो। सीधा सा कंपटीशन है, मतलब एक सवाल हम आपसे करेंगे, जवाब अगर आपने सही दे दिया तो जिसने सवाल किया वो पिएगा, नहीं तो आप पिएंगे। So we are sending him back to school. We're trying to do that. Great. Let's see, sir. शुरू करें सर फिर। आइए खेलें खेला। पहला सवाल जो जाता है तरुण जैन की तरफ वो है, ऐश्वर्या राय क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इन विच ईयर? 94। सही जवाब। Yes. सही जवाब तय है और मैं पीऊंगा इसी बात पर। विटामिन सी अच्छी बात के लिए अच्छा होता है। ग्रेट। ओके, शाहरुख खान्स मंत्र टू वू अ गर्ल इन कल होना हो वाज? शाहरुख खान का मंत्र कल होना हो में क्या था? लड़कियां पटाने बिटवीन शाहरुख एंड साई, 7 दिन लड़की है। नो, गलत जवाब। यस, इवन आई थॉट इट वाज 7 दिन, सॉरी, आई डोंट नो। 6 दिन लड़की, मैं वीकेंड पे काम नहीं करता, संडे फ्री होता है। वी आर रिलैक्स। यस, ओ माय गॉड, बच गई तुम। आई नो, दिस इज नाइस। ओके सर, आगे चलते हैं। द नेम ऑफ तब्बूज कैरेक्टर इन मधुर भंडारकर चांदनी बार वॉज? चांदनी। गलत जवाब फिर से। चांदनी मुमताज, उसके नाम के ऊपर बार नहीं था। तेरा प्यार 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 बार बार नहीं है तो तू बस अब आमला शॉट मार। शिट, तू मार। ऑल द बेस्ट। ओके, आई विल गो इजी ऑन यू। American Dream, Indian Soul is tagline of which film? ये तो आपके गांव वाली फिल्म है सर, मतलब आप रहे हो। Come on sir. American Desi. एक और चांस देते हैं, चलिए आप। Okay, yeah. It's a Shahrukh Khan film. We'll give you that much. That much. For this. Oof. You want me to drink it, right? हाँ, we can give him that amount of liberty. दोस्त हैं हमारे, दो ग्लास और डाउन चल रहे हैं। Come on, yeah. नहीं, एक बार रिया. 1, 2, 3, Riya. Oh my God, she did it. Actually, it's really good. Ouch, it's not. Ew. Chaliye, agla sawal. Not good. When did demonetization start? Which date was? The date of demonetization in India. 8 November, 12 baje raat ko. So no, effectively 9 November. Yes, great. वो दिन कैसे भूल सकते हैं। ये आपकी वजह से पीना पड़ रहा है मोदी जी मुझे। अगर आपने नहीं किया होता तो मैं नहीं पी रहा होता आज। How was it? दूसरा वाला बेटर, अच्छा लगता है ना दूसरा ग्लास, ज्यादा आदत पड़ जाती है, जल्दी जाता है वो मुंह के साथ। हाँ, who led the Indian cricket in 1983 World Cup? ले लो एक शॉट। आंसर जवाब तो दीजिए आप। 1984 ना? हाँ। 83। 84। 83। कपिल देव। क्यों पूछा मैंने क्रिकेट वाली क्वेश्चन? Obviously he'll know. This is horrible. Hate you guys. चलिए, गुलजार वन ऑस्कर फॉर विच फिल्म एंड विच सॉन्ग? स्लमडॉग मिलियनेयर। गाना? It's a two-part question. In many ways पीना तो पड़ेगा ही। रुक जा मैं याद कर रहा हूँ। Just trying to escape it. जय हो। I need to sit back with my writers of the show once and KK, I will get back to you. गुलजार साहब आपके नाम है ये। I don't want to ask him any more questions. सेहत के लिए अच्छा है, it's good. Okay, yeah. How many times have we celebrated Republic Day? This was the 68th one. You knew the answer, right? No. You told him. Why will I tell him the answer? Okay, I'm gonna have that one. Can I please have a little bit? This looks kind of dark. Basic Indian history. I don't like dark stuff. Okay. दो ही शॉट बचे हैं और अब बिल्कुल एक सिंपल सा है। मैं एक गाने का मुखड़ा बोलूंगा, आपको बस कंप्लीट कर देना, मतलब एक ही लाइन बोलता हूँ, आगे कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, फेयर इनफ। This is fair enough, right? अरे डिपेंड करता है कौन सा गाना है, तो फेयर होगा। जॉन जॉनी जनार्दन तररम पम 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 पम। इसके बाद यही आता है दोबारा? नहीं नहीं, मालूम है क्या आता है।
हिसाब बराबर होएगा, फैजल लेगा बदला सर सबका। आफ्टर दिस पीले पीले रुक जा, मुझे याद आ रहे इतना टाइम नहीं है मेरे को, मेट्रो पकड़नी है इसके बाद। पीले पीले उमर राजा का दुश्मन समथिंग उसके पहले बताता हूं, अनहोनी को होनी कर दो। वो दूसरा है उमर अकबर एंटनी है, वो उमर अकबर एंटनी है। इट्स ओके, मालिक ने बुलाया मैं दौड़ा आया, दोस्तों का दोस्त दुश्मनों का दुश्मन, दगड़ 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 देख धना धन। चलिए ओके लास्ट वन। हाँ क्या बात है, थ्री ऑल। इट्स रिलेटेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट ऐश्वर्या राय, हु इज एक्चुअली द फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया। अरे बाबा ये तो फंस गए, वैसे भी एंटी लड़कियां लिख रहे हैं आजकल, इन्हें नहीं याद होगी वो लड़की। नो आई थिंक वुमेन शुड नो फ्रॉम आवर कंट्री हु रिप्रेजेंटेड। सही है, रिया उठा लो ग्लास। आई डोंट थिंक यू विल नो, इट्स ऑलराइट, इट्स ओके, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। आई ड्रैंक थ्री। हिंट दो यार, कोई एक्ट्रेस थी? नहीं नहीं, तो नहीं पता होगा। But you know, you'll know it will be very good. आप तब स्कूल कॉलेज में थे जब ये पिक्चर हुआ था, इंसिडेंट, जब वो मिस वर्ल्ड बनी थी। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही 60s की बात है। नहीं 80s की बात है। 80s की बात, विल गिव यू दैट, 80s की बात है ये। ओए मुझे तब भी नहीं पता। पी लीजिए सर अब तो। I don't know the name. You know, I know. It's Rita Faria. Oh shit. Rita Faria was the first Miss World. Yes. And then it was Aishwarya Rai in 1994. As you can see, we are the winners. के ठुकरा हो अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ मिला के तुम दोनों के छह है ना? छह है, जीता वही आदमी है। ओ जीता वही है जो गेस्ट आया था, वो सारा जूस हमें पिला के जा रहा है। तरुण जैन, क्रिएटर एक्टर राइटर ऑफ लाइफ सही है, प्यार का पंचनामा टू, हमें पंच मार के जा रहे हैं हमारे कॉन्टेस्ट में जो हमने इनके साथ शुरू किया था। तो आओ, I need to sit with the writer after that. You are drunk on amla. Yeah. What will happen if you actually get drunk? I don't know. I need to ask the ladies around. दारू से विटामिन सी मिलेगा। When you don't drink. And thanks for sharing us ये प्यारी प्यारी सी बातें आम से अंदाज में और खास आप आए हमारे लिए इतनी दूर। Thank you for having me. All the best for your future endeavors. Please like, subscribe, share us. बिल्कुल, अरे अभी घर जाते ही। मोइना, अरे गाड़ी में बैठते ही। Call us any point of time you want to talk and प्यार का पंच थर्ड आ रहा है जब हम कुछ भी discussion भी। We're good friends now. तो जिगरी दोस्ती हो गई। Love you sir. No, thanks for the inspiration. Your journey has been amazing and thanks for being a part of our show. Thank you. Thank you again. TIMC, social media stars. Bye bye. अब अगली बार मिलेंगे। Bye. Bye sir.